नमस्कार। आज हम जिस पर्सनालिटी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, वो हमारे साथ इस भवन में ऑलमोस्ट 25 साल से जुड़े हुए हैं। वो भवन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इनकी एक खास बात आपको बताना चाहती हूँ। जब भी ये कोई भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती है, प्राइज हमेशा जीत कर ही आती है। तो शायद आप जान गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो लेट्स वेलकम मिस्टर एंड मिसेस डागा। नमस्ते मिस्टर एंड मिसेस डागा। अच्छा, मिस्टर एंड मिसेस डागा, श्री बालाजी राजस्थानी मंडल का फाउंडेशन निर्माण कब हो और कैसे हो? बालाजी भवन का निर्माण 1968 में हुआ था। 5 जनों ने मिलकर इसकी स्थापना की और आज ये इतना भव्य रूप ले चुका है कि हमारे 2-3 पीढ़ियां इसमें आनंद ले रही है और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स निरंतर ये करते जा रहे हैं। और आगे भी इन्होंने कई अच्छे सोशल एक्टिविटीज भी की है और भजन मंडली को भी इन्होंने बहुत महत्व दिया है। अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू। तो मैं मंजू जी से जानना चाहूंगी कि जो पिछले 3-4 सालों में इस भवन ने डेवलप कर करके यहाँ तक पहुंचा है, उस पे अभी के इनके क्या विचार है? बालाजी भवन पिछले 3 साल से बहुत ज्यादा डेवलप कर चुका है। फर्स्ट बार तो इस बार तो मैं सभी संयोजक और संयोजिकाओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि टाइम से प्रोग्राम स्टार्ट किए और टाइम से खत्म किए। तो और बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। बालाजी भवन एक पेड़ से स्टार्ट हुआ था और वो अब वृक्ष बन चुका है। तो वो वृक्ष अब मतलब बहुत मीठा फल दे रहा है और संयोजक संयोजिकाएं इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो अब हमारे हैदराबाद सिकंदराबाद में भी बालाजी भवन का बहुत नाम है और मैं चाहूंगी आगे भी बहुत ज्यादा नाम हो। वेरी नाइस। तो एक बार हम श्री बालाजी राजस्थानी मंडल के लिए करना चाहेंगे। अच्छा मिस्टर एंड मिसेस जागा, श्री बालाजी राजस्थानी मंडल के आप आगे फ्यूचर में क्या चेंजेस देखना चाहेंगे? मैं फ्यूचर में चेंजेस देखना चाहूंगी कि जो मंडल के जेंट्स लोग हैं वो घर घर जाके चंदा ना ले, खुद ही खुद ब खुद आके वहाँ भवन में चंदा दे। और ये जो पैम्पलेट जो बन रहे हैं, इसमें हमारे पेपर भी वेस्ट हो रहा है, पैसा भी वेस्ट हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रही है। तो जो बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे घर में केवल पैम्पलेट आ रहे हैं, उससे हम ये चाहेंगे कि वो बंद कर दिया जाए। व्हाट्सएप अभी सब देख रहे हैं, व्हाट्सएप में वो आ जाए और वो जो पैसा बच रहा है वो भवन के ही कोई काम में यूज लिया जाए तो ज्यादा बेटर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सहयोग करना चाहिए और उसके ऊपर निरंतर काम करना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू मिस्टर एंड मिसेस डागा जी, आपका कीमती समय देने के लिए। और मैं ये सारे पॉइंट नोट कर चुकी हूँ और मैं ये डेफिनेटली ये बताना चाहूंगी कि बालाजी मंडल ने हम सबको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाया है। सो मैं आपके सारे पॉइंट जो नेगेटिव पॉजिटिव सब है वो नोट करके बालाजी मंडल तक जरूर पहुंचाऊंगी एंड होप फॉर द चेंजेस, चेंज फॉर द बेस्ट। थैंक यू।